थोड़ा ऑपरेटर साहब हेलो हेलो भाई कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो और कौन जगत में और जग सर्वप्रथम समस्त विद्वान श्रोताओं के सिर चरणों में नमन। आपके सामने टूटे फूटे शब्दों में कोई रागनी प्रस्तुत करते हैं, मेहरबानी करके शांति का दान देते हुए समय और 50 रुपया हमारे मेहमान श्री शेरपुल वाले। सज्जनों, प्रसंग रामायण से है साहब। लंकाधिपति रावण जगत जननी जानकी जी का हरण करके लंका में ले जाता है। और क्या, उधर भगवान श्री राम अपने दलबल के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं।
और ये पता जब रावण की पत्नी मंदोदरी को लगता है तो मंदोदरी रावण के पास आती है और रावण को समझाती है, कहती है प्राणनाथ तुमने जानकी जी का हरण करके अच्छा नहीं किया। तो ये प्रसंग रावण और मंदोदरी का संवाद है साहब। मंदोदरी भगवान श्री राम की ओर से रावण से कहती है और रावण अपने भुजबल की प्रशंसा अपने मुखारविंद से करता है और ये संवाद आप एक हरियाणवी रागनी के माध्यम से गौर फरमाएं साहब। सज्जनों कथा सभी आप सब जानते हैं, गाने में केवल शब्दों का जोड़ तोड़ ही है, उसे मेहरबानी करके आप ध्यान से सुने, आशा है आपकी समझ में आएंगे। Yeah.
चंदोदर की इस तरह की बातें सुनकर दशानन एकदम बौखला जाता है और कहता है कि हे प्रिय, तू क्या उन दो तपस्वियों के डर से इतनी डर रही है? एक स्त्री की जात तो डरपोक होती है, क्या तुमने मेरी भुजबल, मेरी भुजाओं के बल का तुमको पता नहीं? मेरी भुजाओं में कितना बल है, मैं उन तपस्वियों से नहीं डरता। तो आगे रावण मंदोदरी से किस तरह से क्या कहता है जी महाराज साहब, भुजबल प्रताप वो भी प्रशंसा आपकी जग जाहिर है। तो आगे क्या कहती है जी महाराज साहब शस्त्र बाहु के? ओ शस्त्र बाहु के
₹50 देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ₹100 वीर सिंह जी मनसापुरा वाले, ये ₹100 कल्याण सिंह जी मनसापुरा वाले, और ₹500 शिवदयाल जी लचोड़ा वालों की ओर से। आज ही ₹100 बरगमा राजा राम, ₹50 चरण सिंह जी डांडोरा। अरे इन्हें बाद में बोल लेना साहब, टाइम लग रहा है। ₹100 बंडा सरपंच डांडोरा। अरे भाई नहीं बोलेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अरे अरे समझायो मानो नहीं, कोई नहीं माने साहब। सुन पापी बदका, अरे अब सरवर में जा छुपो तो ये भी मेरा ललकार। सज्जनों प्रसंग महाभारत से है साहब। महाभारत के अंतिम पड़ाव पर जब सारी कौरवों की सेना मारी जाती है और कौरवों की ओर से एक दुर्योधन बसता है, और दुर्योधन भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक सरोवर में जाके छिप जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से उस दुर्योधन का पता करते हैं और वो एक सरोवर में पानी के अंदर छिपा हुआ बैठा दिखता है। तो भगवान श्री कृष्ण भीमसेन को साथ लेकर और सरोवर पर पहुंच जाते हैं और भीमसेन से कहते हैं कि ये भीम, इसको एक वीरोचित वाणी का प्रयोग करके बाहर निकाल और इसको भी खत्म करते हैं। तो भीमसेन किस तरह से दुर्योधन को ललकारता है, क्या कहता है ऐसा? I'm
अपने प्राणों की रक्षा के लिए तो सरोवर में आके छिप गया और सब कौन बात उन्हें मरवा दिया। तो आगे क्या होता है जी मार साहब, सब कौन मरवा के कोई कसर नहीं छोड़।